नमस्कार साथियों, मैं दली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किस तरीके से ब्लूटूथ को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ब्लूटूथ इंस्टॉल हो रखा है लेकिन उसमें आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो आपको उसे किस तरीके से करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो गाइस, हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले आ जाना है कंट्रोल पैनल में। आपको कंट्रोल पैनल में आना है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल पैनल को। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मैंने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने पहले से ही तोशिबा इंस्टॉल करने की कोशिश करी होगी लेकिन हुआ नहीं होगा, कुछ प्लग करने को कह रहा होगा ब्लूटूथ डिवाइस, तो इसको हम हटाएंगे। पहले हम आते हैं डिवाइस मैनेजर में। ठीक है, तो मैं डिवाइस मैनेजर में आ चुका हूँ। अब गाइस, हमें क्या करना है सबसे पहले, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लूटूथ के मॉड्यूल को अनइंस्टॉल मार देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से देखना है मैं क्या कर रहा हूँ और समझना है। आप प्लीज़ टाइम निकाल लें क्योंकि इसका अगला पार्ट भी आने वाला है, दो पार्ट आएंगे, मैंने इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ से आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है, बहुत सारे लोग यही करते हैं। ठीक है, इसे बाद में करेंगे, पहले हम जान लेते हैं इसका जो मॉडल नंबर है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला है। ठीक है, ओके ओके कर देते हैं इसे यहाँ पे, क्योंकि हमें ड्राइवर का जो वो है, हमें जो ब्लूटूथ का मॉड्यूल नंबर चाहिए वो हमें यहाँ पे नहीं मिला है। अब इसका नंबर हम क्यों निकाल रहे हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा, बस आप देखते रहो। तो प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है, फिर आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे आपको हार्डवेयर पे क्लिक करना है। आप इसे यहाँ पे हार्डवेयर पे क्लिक कर दें, नीचे में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लो मैंने कहाँ क्लिक किया है। ठीक है, ड्राइवर के साइड में उसके नीचे आना है आपको। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपको ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर हार्डवेयर का आएगा, तो यहाँ पर दो आ रहे हैं, तो आपको नीचे वाला जो है इसे कॉपी कर लेना है। आप यहाँ से ऐसे कंट्रोल सी भी कर सकते हैं और ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, ऐसे माउस से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे कॉपी कर लें और इसे नोटपैड में पेस्ट कर लें। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, भूल मत जाना। तो आपको नोटपैड खोलना है, अब आपको नोटपैड कहाँ से मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आना है, आपको नोटपैड सर्च करना है, NOTEPAD। ठीक है, तो ये जैसे आ गया है तो यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है इसे। ठीक, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया मैंने, इसे मिनिमाइज़ कर देना है, कट नहीं करना है। इसे आप यहाँ से अब क्रॉस कर सकते हो, अब इससे हमें कोई काम नहीं है, बस हमें अब अनइंस्टॉल मारना है इसे। ठीक है, अब इस टाइम अनइंस्टॉल करना है, तो वीडियो छोड़ के ना जाएं, आप स्किप करेंगे या वीडियो छोड़ के जाएंगे, आप फिर से आएंगे आप देखने, आपका होगा नहीं। अभी गाइस हमने कुछ नहीं किया है, अभी 1% भाग भी इसका नहीं हमने किया है। अब हम वापस डिवाइस मैनेजर में आते हैं और इसे अनइंस्टॉल मार देते हैं, नीचे वाले को नहीं ऊपर वाले को डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सारा अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यस ओके तो ये अनइंस्टॉलिंग होने में 10 से 15 सेकंड का टाइम लगता है, तो आप इसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें। सिंपल है, इजीली है, बस आप एक तरह से ध्यान लगा के देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और एकदम डिटेल में। गाइस, अगर आप विंडोज 7 का दूसरा ड्राइवर इंस्टॉल करते हो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, वो चलता भी नहीं है, ऐड डिवाइस हो जाता है लेकिन कनेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लूटूथ जो है वो गायब हो चुका है, मतलब अनइंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से क्रॉस कर देंगे, ओके मुझे पता है, ओके कैंसिल, और इसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइस मैनेजर में वापस आके देख लेना है, ब्लूटूथ बच तो नहीं गया है क्योंकि हमने उसे अनइंस्टॉल मारा है, तो यहाँ पर लॉड हो रही है, तो देख सकते हैं ब्लूटूथ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आपको इसे यहाँ से क्रॉस कर देना है इसको भी। और एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आपको जो अनइंस्टॉल का सिस्टम है इसमें जो आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा था कोई तोशिबा उसे पूरे को हटा देना है। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आपको आना है कंट्रोल पैनल में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता देता हूँ ब्लूटूथ नहीं आ रहा है, मतलब मेरे लैपटॉप में बता रहा हूँ, आपको कंप्यूटर में भी सेम इसी तरह होगा। अगर कंप्यूटर है तो उसमें आप वो लगा लेना, वो जो आपको एक मॉड्यूल मिलता है। तो मैं यहाँ कंट्रोल पैनल में आता हूँ
और यहाँ पे क्योंकि लैपटॉप में इनबिल्ड होता है पहले से, तो यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको सिस्टम में आना है। सिस्टम में आने के बाद चेंज सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, हार्डवेयर पे क्लिक करना है एंड नीचे वाले पे क्लिक करना है, डिवाइस वाले पे, हाँ इस पे क्लिक करना है और नो कर देना है इसे। ठीक है, कुछ नहीं करना, ओनली नो करके सेव चेंज कर देना है। ठीक है, और इसे क्रॉस कर देना है, फिर इसे भी क्रॉस कर देना है। अब गाइस अपना जो है ना 20% काम हो चुका है ये समझो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने इसलिए किया है, जैसे ही हम उसे इंस्टॉल करते थे तो साइड में वो भी पॉप पॉप आके इंस्टॉल होना शुरू हो जाता था, तो मतलब फिर हमारा लैपटॉप समझ में नहीं आता था उसको कि मैं तोशिबा का करूँ या फिर माइक्रोसॉफ्ट का करूँ, जो भी आपके पास है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको सबसे पहले आ जाना है अपने कंप्यूटर में, अनइंस्टॉल चेंज अप प्रोग्राम पे क्लिक करना है, उसके ऊपर में आपको शो होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ स्टैक विंडो बाय तोशिबा। ठीक है, ये आपने पहले से इसमें छेड़खानी करी होगी, इंस्टॉल करने की कोशिश करी होगी, इसलिए आपको यहाँ से आके अनइंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो इसको अभी नहीं करना है, जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये भी चीज़ हट जाएगा उसी से, ये उसी की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो आपको अनइंस्टॉल चेंज अप प्रोग्राम पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर देना है, ऊपर में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप देख सकते हैं। गाइस आप 1-2 घंटा निकालें अपने लिए और फिर बैठ के आराम से करें तो आप तभी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ का कितना काम होता है वो आपको और मुझे ही पता है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे टाइम लगने देते हैं। गाइस अभी 2 पार्ट और आएंगे इसके, ये पहला फर्स्ट पार्ट है। अगर मैं वैसे बनाता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती और आप लोग का पूरा जो दिमाग एकदम खिचड़ी हो जाता, समझ में नहीं आता कैसे क्या किया है। तो ओके कर देते हैं इसे, यस करने को आएगा तो आप यस कर देना। ठीक है, तो यहाँ हो रहा है, इसमें 3-4 सेकेंड और लगेंगे, तो ये हो गया कंप्लीट। और यस मुझे कुछ नहीं, इसका जो भी था सब कुछ डिलीट कर दो, यस कर देना है आपको, नो नहीं करना है, यस करना है। और गैस अगर आपको ये सोच रहे हो कि मुझे इंस्टॉल करना है तोशिबा का, नहीं मुझे ब्लूटूथ विंडो 7 में करना है, तो गैस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विंडो 7 में ब्लूटूथ नहीं चलेगा। ठीक है, ब्लूटूथ चलेगा ही नहीं, इसके लिए आपको तोशिबा का डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई सा भी ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, नहीं काम बनने वाला है, ऐड डिवाइस हो जाएगा लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि चलेगा नहीं, मतलब तोशिबा के अलावा कोई चलेगा ही नहीं, तो आपको तोशिबा डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले उसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पहले से कोशिश करी है इंस्टॉल करने की और नहीं हुआ है तो आपको ये करना है इसमें। ठीक है, और जिन्होंने नहीं इंस्टॉल किया उनको भी ये करना है, चेक कर लेना ये सब चीज़ें है तो नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ब्लूटूथ कैसे अनइंस्टॉल करना है उसमें जाके, और उसका मॉडल नंबर कॉपी करके नोटपैड में रख लेना है आपको, और इसे वहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के बाद 1 मिनट गाइस, तो देख सकते हैं अनइंस्टॉल हो चुका है पूरा, प्रॉपरली अनइंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है कलर मैनेजमेंट आ रहा है, पहले वहाँ पे वो आ रहा था, तो यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया है, तो उसे कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा है ब्लूटूथ का, तो मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार। अब हमें क्या करना है आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, आपको आ जाना है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गाइस डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा आपको, मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत झंझट होता है, स्ट्राइक आ सकता है मेरे को। तो यहाँ पे आपको 32 बिट का है, एक 64 बिट का है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 32 बिट वाले पे क्लिक करना है, ऊपर वाला 32 का है, नीचे वाला 64 का है। ठीक है, तो गाइस मुझे लग रहा है मैंने 64 कर लिया, 1 मिनट, नहीं, 32 और हाँ 32 का ही है, 32 64 किसी पे भी क्लिक कर दें, मैं आपको कहूँगा ऊपर वाले पे क्लिक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसे कर दिया है, तो गाइस ये ओपन हो रहा है खुद ही होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, ओके नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट कर लेना है आपको, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है। गाइस अब मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है, इसी के आगे प्रॉब्लम आती है हमें, ये तो थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, फिर आता है आपको एक पॉपअप आता है ओके या कैंसिल करने का, प्लीज़ प्लग इन एंड ओके बटन। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, ना ओके पे क्लिक करना है ना ही कैंसिल पे क्लिक करना है, बस उसको जैसे का तैसे छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे होने देते हैं पहले। तो गाइस मैं देखो वीडियो स्किप नहीं करूँगा, कि नहीं तो फिर आप लोग कमेंट करोगे भाई तूने पीछे जाके पता नहीं क्या किया और हमें दिखा दिया और हमारे में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा मैं 3 पार्ट बनाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, 1 घंटे से ऊपर की हो जाती, इसलिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसे, ये आप
फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ठीक है गाइस। और सेकंड थर्ड पार्ट भी आज ही आ जाएंगे, जैसे ही मैं इसे अपलोड करूँगा उसके बाद मैं उन दोनों को भी कर दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे दूसरा तोशिबा जो इंस्टॉलिंग और ड्राइवर इंस्टॉलिंग होना शुरू होगा तब हमें प्रॉब्लम आएगी। सब में बड़ी प्रॉब्लम गाइस हमें यही आती है, सिर्फ इसी को कंप्लीट करने के लिए मेरे को दो पार्ट और बनाने पड़े हैं गाइस, बस इसी काम को करने को। आप सोच सकते हो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए 50% काम अभी बाकी है, ठीक है। अभी आपने 50% ही काम कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसमें टाइम लग रहा है, तो आप वेट कर लीजिए, तो हल्का सा वीडियो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे बस ओनली फॉर ओनली इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है। मैं इसमें कुछ अभी बता नहीं रहा हूँ, तो गाइस थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आ चुका है, अब ये साइड में हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस आने वाला है जिसकी इंतज़ार थी हमें, सॉरी जिसका गलत हो गया, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आने वाला है, ठीक है। तो टाइम लग रहा है, देखते हैं कब पॉपअप आता है, ठीक है। तो गाइस नोटपैड वगैरह को जो भी नीचे खुला है इसको क्लिक करना है और आपको कुछ नहीं करना है इसे, ठीक है। क्रॉस कर देना है, और क्रॉस करने के बाद जो चल रहा हो तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो कुछ भी कर अंदर, लेकिन आपको यहाँ से इसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। नीचे में इंस्टॉलिंग दिखा रहा होगा, तो इसमें ये इसलिए दिखाता है कि जो हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो माइक्रोसॉफ्ट का रिजेक्ट करने लग जाता है और कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं तोशिबा का करूँ या माइक्रोसॉफ्ट का। अगर तोशिबा का होगा तो बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा, अगर तोशिबा का नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अगर तोशिबा का होगा तो आपका तुरंत हो गया होगा, अगर आपके पास तोशिबा का लैपटॉप या CPU नहीं है तो आपको आगे क्या करना है मैं आपको दिखा दूँ। देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे छोड़ देना है क्लोज करके, ठीक है। तो गाइस पहले वो पॉपअप आ जाए हमारे पास, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ना ओके करना है ना ही कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये हो रहा है अभी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो देख सकते हैं ये आ चुका है। ये बहुत हरामी पंती करता है यहाँ आके, ठीक है। जब इसे गलत ड्राइवर मिल जाता है तभी करता है, वैसे ये बदमाशी नहीं करता है। तो आपको आ जाना है सी में, जिस सी में प्रोग्राम फाइल में, एंड आपको तोशिबा को खोजना है, तोशिबा कहाँ है, तो ये रहा तोशिबा। और यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ड्राइवर में जाना है, ड्राइवर में जाने के बाद सबसे लास्ट में आना है। तो मैं इसे डबल टैप करके ओपन कर लेता हूँ, तो आप भी इसे डबल टैप करके ओपन कर लें। तो इसे ओपन करते हैं, तो सबसे नीचे आ जाना है आपको। अब आपको क्या करना है, ध्यान से, एकदम ध्यान से, इसमें से आपको कॉपी कर लेना है थर्ड नंबर वाले को, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप देख लेना, आप में ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसे आपको कॉपी कर लेना है, ठीक। यहाँ पे आना है, तो कॉपी ये रहा, कॉपी कर लिया। अब इसका क्या करना है गाइस, ध्यान से देखना, ठीक है। लीड लगा लो, एकदम ध्यान से देखना आगे क्या करना है, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं और पेस्ट हो गया तो फिर हो गया काम उसका, फिर कभी इंस्टॉल ही नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है। फिर आपको पूरा विंडो फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो मैं ना चाहता आपके साथ ऐसा हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया है, और आपको नोट पैड में आ जाना है, सॉरी इसमें आ जाना है जहाँ पे आपने अपना फाइल वो किया था, हाँ जी फोल्डर में आ जाना है, और यहाँ पर आपको इसे पेस्ट करना है। तो मैंने पेस्ट कर दिया है, तो ओके कर देना है यहाँ पर। तो शायद ये पेस्ट हुआ नहीं है, एक मिनट, हाँ तो देख सकते हैं ये आ चुका है ऊपर में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक मिनट, हाँ पेस्ट हो चुका है ये बिल्कुल। अब हमें करना है, ठीक, तो आपको भी सिंपल इसी तरीके से पेस्ट कर देना है यहाँ पे आके, हाँ ऊपर वाला है। अब यहाँ पे गाइस इसका नाम जो है ना उसे चेंज करना है, रीनेम करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, हाँ, और आपको इसे रीनेम करना है, एक मिनट, रीनेम मत करना, अभी मत करना कुछ भी, इसके अंदर कुछ करेंगे उस पर आपको क्लिक करना है, और आप देख लेना मैंने कहाँ क्लिक किया था। फिर आपको नीचे आना है, ठीक है, बस आप ध्यान से देखो, अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आने, एक बार बैक हो जाओ, फिर से वीडियो देखो मैंने कहाँ क्लिक किया था, मेरी वॉइस पे ध्यान मत दो क्योंकि इसमें मैंने आपको बता दिया। उस पर क्लिक करना है और आपको सबसे नीचे आना है सबसे पहले, ठीक है गाइस। इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसमें इतना सारा नोट पैड में खुल गया ये। अब गाइस हमें इसमें ना पेस्ट करना है कुछ, एक मिनट,
आपको सबसे नीचे आना है, ठीक है। सबसे नीचे आने के बाद ये देख सकते हैं 200, 200 पे आ जाएंगे जब आप, 199 200। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अब इसे कॉपी करना है पूरे को, ठीक है। तो आपको इस पूरे को कॉपी कर लेना है। तो मैं एक मिनट देख लूँ जरा, मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर आपको ओके करना है ना कैंसिल करना है, ना नीचे ना ऊपर, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके एडिशन 2010-11, ठीक है। नीचे आना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 200 है, इसे पूरे को कॉपी कर लेना है हमें, पूरे को A to Z, इस साइड से इस साइड, सबसे नीचे वाले को, ओनली फॉर ओनली 200 को करना है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये पूरे कॉपी करके आपको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी,